सबसे पहले ही कहा जाता है तो सो उनको कह दीजिए आप हमेशा झूठ लाने का काम करते हैं वो आगे जो है ना आगे ये मुखिया जी देखेंगे हम लोग तो नहीं देखेंगे मिनट अगर ये मास्क बांट दिए तो हम आ करके देख लेंगे हाँ जी जी कि हाँ इनके द्वारा मास्क वन लेयर का जी 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 हम उनको ऑर्डर करेंगे कि आप जो मास्क बांटे वो वन लेयर का मास्क नहीं बांटना है आपको टू लेयर का मास्क दीजिए चाहे खादी भंडार के द्वारा उपलब्ध कराइए वो मास्क और यदि आप प्रूफ के लिए आम लोगों के प्रूफ के लिए नहीं तो जो वार्ड सदस्य जो बांटा है ना सुनिए ना मैडम आप वार्ड सदस्य भैया है कि भैया ये देखिए जो मास्क मैडम अभी पंचायत में जो मास्क वितरण किया जा रहा है किस योजना के तहत हो रहा है मैडम इस योजना के अंतर्गत आया था प्रधान से जो ग्राम पंचायती राज विभाग से पंचम बीच से जो है जी देना था मास्क वितरण करने के लिए तो चार मास और एक शाल प्रत्येक परिवार को एक परिवार में कितने का बजट है मैडम वो हो गया 100 का 100 रुपये का हाँ 20 रुपया का हो गया शावन जी और चार मास का 20 रुपया का 80 का हो जाता है 20 रुपया का एक शावन हो जाता मैडम अभी द्योधा उत्तरी में वहाँ के ग्रामीण मुखिया के खिलाफ हंगामा किया था और पता चला है आप भी गई थी वहाँ विजिट में तो मास्क को आपने निरीक्षण करवाया मैडम हाँ जा कर के मेरे पास आई थी उसे शिकायत तो हम गए हुए तो वहाँ चेक करने के लिए तो मास्क हम देखे हैं मास्क जो है ना वन लेयर का मास्क जो था वितरण किया गया था जी। तो हम पूछे मुखिया जी को कि वन लेयर का मास्क नहीं देना था है ना आपको टू लेयर का मास्क वितरण करना है थ्री लेयर आता है इसमें थ्री लेयर का मास्क ज़्यादा अच्छा होता है तो और फिर मास्क जो है जीविका से ही जीविका दीदी के द्वारा जो मास्क तैयार किया जाता है उससे लीजिए या खादी भंडार से लीजिए ये मास्क जो दिए उसको आप रिटर्न कर दीजिए हाँ दूसरा मास्क दीजिए थ्री लेयर का वो हम मुखिया जी को बोले मुखिया बोले वहाँ की मैडम इस गुवाहाटी में जो हमारे पास आया था इस तरह का मास्क वितरण करना है तो हम तो ये पता नहीं था इसलिए हम स्थानीय बाजार से क्रय कर लिए इसको तो हमको यही एक मास्क दिया जी। हमको उतना जानकारी नहीं था कि थ्री लेयर क्या होता है टू लेयर तो दिया है तो हम इसको चेंज कर देंगे और थ्री लेयर का मास्क हम परचेज किए वो अभी मैडम वहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें 80% पैसों का घोटाला किया गया मैडम जी नहीं अभी उनको पैसा नहीं मिला है तो जो जो टारगेट है मैडम 100 रुपया प्रति परिवार करने का वो 20 रुपये के अंदर में खर्चा कर रहा है तो ये 80% का घोटाला तो होबे क्या ना मैडम जब भी आप उसको पैसा दें बजट दे तो घोटाला तो हुआ ना मैडम घोटाला कैसे होगा उनको पैसा नहीं हुआ और मास्क जिस लेयर का वितरण किए हैं जी जैसे 10 रुपये का मास्क है तो हम लोग देख लिए हैं उनके द्वारा अभी मेरे पास आया नहीं है कोई चीज़ ना पैसा निकाला गया है तो 10 रुपया का जो क्रय हुआ है तो 10 रुपया का ही ना वाउचर हम लोग पास देखेंगे और पास करवाएंगे वो जितने का परचेज हुआ है उतने का मतलब आप वाउचर पास करेंगे तो 100 रुपया का बजट के लिए निर्देश आपने उनको दे दिया है तो वो सुधार करके नया मास्क बांटेंगे वो नया देंगे तो आप जो गई थी मैडम तो आपके जाने के बाद वहाँ की जनता संतुष्ट हुए हाँ संतुष्ट हो गए सब उन लोग को हम बताई बात जी ठीक है वन लेयर का है इसको हम चेंज कर करके थ्री लेयर का मास्क और जीविका दीदी के द्वारा जो है क्रय करके वो मास्क आप लोग को वितरण करेंगे तो उन लोग संतुष्ट हो गए कि ठीक है मैडम जो मतलब आप देख करके जैसे मास्क बटा है 10 रुपये का मास्क तो 10 रुपये का ही ना वाउचर पास होगा ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का मास्क दिया है 20 रुपया पास कर लेगा वो नहीं होगा वो ऐसा नहीं हो पाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसी मतलब गड़बड़ी मैडम केवल देवधा उत्तरी पंचायत में है कि और भी पंचायत में आपके पास शिकायत आई मेरा देवधा उत्तरी में ही हमारे पास ऐसी शिकायत आई थी जी तो मैं गई थी वहाँ तो और मुखिया सबको आपने सूचित किया मैडम कि ऐसा नहीं करने के लिए नहीं सभी मुखिया को सूचित कर दिया गया है प्लस VC भी हुआ था खुद से भी मुख्यमंत्री जी भी यही बात बताए जी तो और भी वहाँ देवधा उत्तरी की बात बता रहे हैं वहाँ अभी जो हम जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो 500 मास्क जो है जीविका दीदी के द्वारा तैयार किया गया उन लोग क्रय किए हैं और वितरण कर रहे हैं और भी करेंगे ठीक है मैम धन्यवाद मैम